बनाना चाहता है, तुम्हारे चेहरे पे हंसी देखना चाहता है, खुशी देखना चाहता है, तुम्हें कामयाबी देना चाहता है। ये परवरदिगार आलम का स्टैंडिंग था सवार। अल्लाह ने तो बंदे की मुकाम को जान लिया, मगर बंदे ने उसकी मुकाम को नहीं जानने के नाते बंदा परेशान है। और समझाने के लिए किसी रहबर और रहनुमा को आगे किया, किसी पीर के जात को आगे किया। ऐसा क्यों, क्या क्यों सोचता है बंदे के बारे में, भला क्यों सोचता है ऐसी बंदे ने क्या अच्छी याद देखे तो बंदे का भला सोचता है। हर कोई बात हर कोई किताब में नहीं मिल सकती है। खुदा शनासी का इल्म सीना बसीना इल्म आया, सीना बसीना इल्म आया, शरीयत आम है और तरीकत खास है। तो यहां समझने की बात है, ऐसा क्यों सोचता है। मैं आपको अपना मुकाम बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मुकाम अल्लाह के नजदीक क्या है। अरे अल्लाह को अल्लाह किसने कहा? आपने कहा। तारीफ कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। उसकी इबादत कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। बंदा ही कर रहा है। अलीम गैब हुआ रहमान रहीम, वो कायनात का मालिक गैब नहीं था। मंदिर हम पर किसने लाया? बंदे ने लाया। अल्लाह क्या है किसने समझाया? बंदे ने समझा। वो कुदरत वाला है, किसने कहा? बंदे ने कहा। इसलिए वो बंदे का हर पल भला सोचता है। यू आर द इंट्रोडक्टर, आप उसकी तारीफ करने वाले हो। जब उसकी तारीफ करने वाले क्यों नहीं आपका भला सोचेगा? आपको भला सोचता है, पॉजिटिव सोच रहा है, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं। लोग खुदा को कहीं और ढूंढ रहे हैं, कोई हरम में ढूंढ रहा है, कोई सनम में ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है। हम खुदा को खुद में ढूंढ रहे हैं, अपने मर्जी से नहीं। बाबा कुरान में अल्लाह पता बता रहा है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन मुहीत, मैं हर शय में हूँ, हर शय मेरे घेरे में। वफी अनफुसिकुम अफलातुसिरून, क्या तू नहीं देखता मैं तेरे नफ्सों में मौजूद हूँ, तेरे जर्रे जर्रे में मेरा मुकाम है, तेरे सांसों में मेरा मुकाम है, तेरे ख्याल में मेरा, ऐसे कई माने निकलते हैं। मैं नौकर भाई वरीद में तुम्हारे धड़कते हुए शरक से भी कहूँ करीब हूँ। वाह माँ कुम मैं ना माकुन तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हारे हमरा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। ये सारी आयतें इस बात की गवाही दे रही को खुदा हमसे जुदा नहीं, हम उससे जुदा नहीं। फिर अल्लाह के रसूल से पूछा गया अल्लाह कहाँ रहता है, तो आपने फरमाया अल्लाह मोमिनों के दिल में रहता है। खुश नसीब है आप लोगों को मोमिन बनाया गया। सबके दिन में रहना वो पसंद नहीं करता है, मोमिनों के दिन में रहना पसंद करता है। ये आयतों से हमें ये समझ में आता है कि वो खुदा हमसे जुदा नहीं, हम उससे जुदा नहीं। और अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम पर गौसुल वरा का करम हो गया, काकसार को आगे करके समझाने के लगा है कि वो परवरदिगार आलम बंदे का भला सोचता है, करम करना चाहता है, रहम करना चाहता है। तो इससे मालूम पड़ा हमें कामयाबी कामरानी देने वाला खुदा वो हमसे जुदा नहीं, हम उससे जुदा नहीं। वो हमारी नियतों का जानने वाला है। अभी अभी समझ में आया कि वो भला सोचता है, तो क्यों हम पॉजिटिव निगेटिव क्यों सोचने का नहीं? ये तस्वर बना दो, कसम खुदा की अल्लाह बेड़ा पार होगा। मुझे कामयाबी कामरान देना खुदा, वो मेरे हमरा है, वो मेरे हमरा है, और वो बंदों का हर पल भला सोचता है। मैं कामयाब होगा, मैं कामयाब होगा, मैं कामयाब होगा, इसलिए कि कामयाबी कामरान देना खुदा मेरे हमरा है। ये सब ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए है। ईमान के बारे में हदीस में आया, इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब। आप लोग जबान से कलमे की अदाई के करें, इकरार बिल लिसान में हो, दो होंठ एक जबान, जब तक का जबान चलती रहेंगी तब तक का पढ़ते रहोगे। जबान बंद होने के बाद कैसा बंद करोगे, कैसा पढ़ोगे? तो यहाँ पे तस्दीक बिल कल्ब कराया जाता है, दिल की जबान से कलमे की अदाई के करने की बात है। तरीकत में वो तरीका आया है, क्या सिर्फ जबान का वो मालिक है? जबकि वो जर्रे जर्रे का मालिक है, तो जर्रे जर्रे में उसकी याद नहीं होना? तो तरीकत में वो तरीका आया है, हमारे नजदीक वो तरीका आया है। हम कदमे की दावत दे रहे हैं, जबान से पढ़ रहे, इकरार बिल लिसान है,
या दिल की जुबान से करने की अदायगी करने की बात है, तस्दीक उन बिलकल हम कराते हैं, जरे जरे से उसके सदाए आना चाहिए क्योंकि वो जरे जरे का मालिक है। और दूसरी बात, दिल से इसलिए पढ़ना है, दिल में इसलिए उसकी याद करना है, दिल बनाया खुदा ने अपने को रहने के लिए, छोटा सा दिल है मगर ये लंबी चौड़ी कायनात को बनाने वाले मालिक का क्या दिल है, जमीन व आसमानों को बनाने वाले मालिक का क्या दिल है, चांद सूरज सितारों को बनाने वाले मालिक का क्या दिल है, आपको बनाया, हमें बनाया, शजर बनाया, हजर बनाया, उस मालिक का क्या दिल है, उस घर को आबाद करने की बात है, उसके घर में उसको याद करने की बात है। हर कोई अपने घर की फिक्र कर रहा है, हम उनसे कह दे जो खुदा खुदा के घर की फिक्र, जो बंदा खुदा के घर की फिक्र करेगा कसम खुदा की खुदा उसके घर की फिक्र दूर करेगा। हमने उसके दिल के अंदर दुनिया को समेट कर रखा है, दुनिया का जिक्र हो रहा है, फलां का जिक्र हो रहा है, बाल बच्चों का जिक्र हो रहा है, फिक्र का जिक्र हो रहा है, कारोबार का जिक्र, सारी बातें दिन में आ रही है, तो भले बताओ उस बंदे पर कैसी उसकी रहमत होगी। ये सबकी नफी कराकर उसका जिक्र बजाना बड़ी बात है, क्या बात है। तेरे जिक्र से हर जिक्र मंसूब होता है, दिन में अगर अल्लाह रसूल की याद चलते रहेंगे तो दुनिया की जिक्र की नफी हो जाएंगे, खालिद से बंदा रसूल का जिक्र बाकी रहेगा, तब खुदा सोचने पर आमादा होगा कि मेरा बंदा मेरे घर में सिर्फ मुझे याद कर रहा है तो क्यों नहीं मैं उसको याद करूं। तो उसके बारे में कुरान में आया, अरे बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा, फस करू नहीं आज कुरकुम, अरे बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। तुम सिर्फ कुरान पढ़ रहे समझ कर अमल पैरा होने की कोशिश नहीं करे, तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। इसलिए हम कहते हैं मोमिन से, बंदे के दिल के बाहर वो खुदा की नजर है, हम दो मिनट चाहते हैं, दो मिनट जरा उसको दिल में याद करके जाओ, दो मिनट, हर चीज की याद आ रही, ख्याल आ रहा है, खाने का, पीने का, कपड़े का, काम का, धंधे का, उसके जिक्र का ख्याल आया क्या, उसकी याद आई क्या, और उसको तुम याद करेंगे तो तुम्हें याद करेंगे। मैं बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा, कहां करेगा। अरे जिस काम के लिए जा रहे हो जिस बंदे के बाद उसके दिल में डाल देंगे, कह देंगे कि मेरा जाकिर मुझे दिन से याद करने वाला, तेरे बाद इसका काम कर, जब तक अल्लाह दिन में डालता नहीं काम होता नहीं, क्योंकि सबके दिलों पर उसकी हुक्म चलती है। आगे कह रहा है वशकुरी वाला तक पर मेरी ना शुक्री ना कर, क्या बात है? मैं तेरी चर्चा करूंगा, मेरा शुक्र बजा रहा, लोग जिक्र कर रहे शुक्र।